कानपुर के बर्रा दो केबी में रहने वाले छात्र की मुंबई में मौत हो गई। सीटीआई प्रशासन ने बताया कि छात्र ने फांसी लगाकर जान दी है, जबकि परिजनों का आरोप है कि छात्र ने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। फिलहाल परिजनों ने मुंबई पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बर्रा दो के रहने वाले कैस्को में लाइनमैन शिव कुमार सिंह का बेटा अंकित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रक्चर मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। 6 दिसंबर को संस्थान के पदाधिकारियों ने अंकित के परिजनों को सुसाइड की सूचना दी। परिजन मुंबई पहुंचे और छात्र का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। माँ गीता सिंह ने बताया कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी हो गया था। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनके बेटे का मर्डर किया गया है। उनका बेटा एक बड़े स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। परिजनों ने सोमवार की डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार को मामले की जांच करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि छात्र का इलाके की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, इस बात को लेकर बहुत आहत था। लड़की ने शादी तय होने के बाद फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था, इसके चलते छात्र ने सुसाइड कर लिया। फिलहाल डीसीपी साउथ ने बताया कि मामला मुंबई से जुड़ा है, इसलिए मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। परिजनों का जो भी आरोप है मुंबई में ही जाकर तहरीर देनी पड़ेगी। और क्या बोले? मेरा नाम गीता सिंह है, हम बर्रा दो में रहते हैं। मेरा लड़का सीटीआई कर रहा था बम्बई में। अब वो 2 करोड़ का सीटीआई के साथ साथ सीटीआई कर रहा था। वो 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना रहा था। 3 लड़कों के साथ में था, पार्टनरशिप टीम में था। वो 2 लड़के चले गए, हट गए, क्या हुआ हमें नहीं पता। और फिर उसके बाद हमारे लड़के के पास फोन आया, मम्मी हमको प्रोजेक्ट बना रहे, बना ले। हमने कहा बना लो बेटा, जो पैसा लगेगा हम देंगे। सर हमको जब मंगलवार को सूचना मिली है के लड़के ने मेरे क्या कहते हैं सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नहीं सर, हत्या हुई। जब हम लोग को वहाँ दिखाया गया, लड़का नहीं, पहले उसका कमरा दिखाया गया, उसका गर्दन कटी हुई थी, पूरे कमरे में खूने खून पड़ा था। जब हमने बोला हमको मट्टी दे दो, मंत्री करेंगे, उन्होंने नहीं।